हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे चैनल में अक्स मूवी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका जो सिंपल सा एकदम बोरिंग सा जो एंड्रॉयड का इंटरफेस होता है उसे कैसे एक अच्छी सी एप्पल वाली लुक दे सकते हो। तो दोस्तों देखो, इसको करने के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना है आपको। जस्ट एक प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना है, उसकी कुछ सेटिंग्स करनी है और सेटिंग्स के अंडर में आपको कुछ फीचर्स हैं जिनको आपको इनेबल और डिसेबल करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो अपने फ़ोन को बैक से जो है कवर करवाते हैं और एप्पल वाली लुक देते हैं बैक से, जैसे शाओमी की रेडमी 5, 4 में आपने देखा होगा काफ़ी जो है लुक दे देते हैं अपने एंड्रॉयड को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये चीज़ करते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उनका बाहर से एप्पल का लुक दे रहा है तो अंदर से भी दिखना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाना है प्ले स्टोर में, और अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना आईफोन 12, ठीक है। आप जैसे 12 सर्च करोगे, सबसे टॉप पे आपको दिख रहा 4.6 32 MB 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। आप इसको भी कर सकते हो, आप 4.6 में नीचे भी एक और है ये वाला, इसको भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा ऊपर वाला, थोड़ा सा बेटर है ये। तो चलिए इसको करते हैं इंस्टॉल। तो जैसे ही इंस्टॉल हो रहा है मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये जो है आईफोन 12 लॉन्चर डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसे अब ओपन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, कुछ सेटिंग्स में जाके इसको परमिशन देनी होगी। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, देखते रहें वीडियो को। तो आपसे पूछ रहा है कि वॉलपेपर आपको कौन सा रखना है जो आपको स्टार्ट करना है। ये सभी आईफोन 12 के वॉलपेपर हैं, आप देख सकते हो आपको जो बेटर लगे। तो मैं तो इसमें एक्स के भी हैं और इसमें 8 के भी हैं, 7 के भी हैं, मतलब काफ़ी सारे वॉलपेपर हैं अच्छे अच्छे इसमें, आपको जो बेटर लगे। तो मैं रिकमेंड अपने हिसाब से तो वही रखूँगा, आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल यही रखने जा रहा हूँ ये वाला, ये ठीक है। और गेट स्टार्टेड पे दबाना है आपको, क्लिक करना है इसको और यहाँ पे करना है अलो, फिर अलो। उसके बाद ये बोल रहा है कि परमिट ड्राइंग ओवर दी एप्स, आपको इसको इनेबल करना, ओके इनेबल नाउ, ताकि आपका जो, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आपने अगर पासवर्ड रख रखा है अपने फ़ोन में तो आप उसको डाल के इसको लॉक कर दें। और इसको ढूंढने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे आईफोन 12 लॉन्चर, इसको इनेबल कर देना है। देन उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको ऊपर से नोटिफिकेशन को भी इनेबल करना है, जी हाँ करना है, ओके इनेबल नाउ। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है ये सी से नाम जो ए और सी की कैटेगरी में है, इसको फिर से इनेबल कर देना है। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको जो है iOS का स्टाइल में चाहिए या एंड्रॉयड स्टाइल में चाहिए, जैसे कि इसमें दिखा रखा है एंड्रॉयड में भी और iOS में भी। तो मैं iOS में करूँगा फुल स्क्रीन, हाइड करना है या रखना है। तो मैं इसको हाइड करूँगा क्योंकि मैंने अपना गेस्चर जो है अपने फ़ोन में सेट कर रखा है। तो मैं इसको करूँगा गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो ये बता रहे नोटिफिकेशन सेंटर लेफ्ट साइड से अप एंड डाउन, राइट साइड से कंट्रोल सेंटर है, स्वाइप अप से स्टेटस बार है और दोनों साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको ये डिफ़ॉल्ट में रखना है। अगर इसको हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो हम जब भी होम स्क्रीन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है लॉन्चर हट जाएगा और आपका डिफ़ॉल्ट जो लॉन्चर आपके फ़ोन का है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हमें सेट एज डिफ़ॉल्ट पे ही रखना है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको इसमें से सबसे थर्ड ऑप्शन जो ऊपर से, इस पे जाना है होम ऐप पे, और ये आपका सिस्टम लॉन्चर है, आपको आईफोन 12 लॉन्चर पे क्लिक कर देना है। अब ये इस पे डिफ़ॉल्ट हो चुका है। दोस्तों आप इसका जो आइकन है छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 5 कॉलम है, आप 6 कॉलम 8 कॉलम भी लगा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा ये ठीक है, इससे जो है ओरिजिनली आईफोन की लुक आती है। तो अभी दोस्तों ये जस्ट इंस्टॉल हुआ है, अभी ये सही से वर्क नहीं करेगा। तो वर्क करने के लिए मैं बताऊँ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सेंटर खोलना होगा, ऊपर से खुलेगा, तो ये खुल गया। अभी यहाँ से क्या करना है, मुझे ब्राइटनेस बढ़ानी है। जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, इसको बढ़ाते ही आपसे कुछ ये परमिशन मांगेगा। तो इसने परमिशन मांगी, आपको यस कर देना है और यहाँ से भी इसको इनेबल कर देना है, जिससे आप इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और इसकी टॉर्च वगैरह सब चीज़ें जो है आप इनेबल कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ से भी ओपन करना है, ये आप देख सकते हो सेटिंग्स के लिए, ओके। और तो दोस्तों अब आपको आईफोन 12 के अंदर जाना है, जो ऐप है इसका,
और आप अपनी डिस्प्ले में देख सकते हो ऊपर जो नोच है जहाँ पे कैमरा है वो बिल्कुल एकदम वी शेप में है, जो कि इससे साफ पता लग रहा है ये आईफोन नहीं है। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हो एनोइंग आईफोन एक्स नोच, ठीक है, एनोइंग मतलब एनोइंग आईफोन एक्स नोच, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर से बिल्कुल नोच जो है फुली अब जो लग रहा है ये आईफोन है, और मोटो के भी काफ़ी डिज़ाइन ऐसे आए हैं, आपने मोटो के काफ़ी फ़ोन देखे होंगे उसमें भी ये चीज़ आई है, मुझे वो मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा बट उसमें भी बिल्कुल यही लुक आई है। तो इसको हटाने पर ऐसे हो जाएगा, इसको लगाने पर ये, तो मैं तो यही रखूँगा। इसके कुछ वॉलपेपर चेंज करने, आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ऐप लॉक, इसका इनबिल्ट ऐप लॉक है, लॉक स्क्रीन, बाकी बहुत सारी सेटिंग्स है इसमें, आप सेटिंग्स में जाके जो आपके हिसाब से हो आप कर सकते हो, एक्स बार, असिस्टिव टच वगैरह सब कुछ है। ये देखो असिस्टिव टच भी काम करेगी सही से, ये होम स्क्रीन पर आ गए हम। तो दोस्तों यहाँ से भी पूछ रहे इनेबल ऐप लॉक, प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, तो बहुत सी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों। अगर आपको इस ऐप से कुछ भी मतलब मज़ा आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, और आपको ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू।